अविनाश पांडे जी आए हैं और सभी हमारे पूरे प्रयागराज जोन के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हाँ, बदलाव तो जो दिखना चाहिए था जितना प्रचार बाहर में हो रहा है, यहाँ आकर मुझे उतना नहीं दिखा, लेकिन बाहर में टीवी और उसके माध्यम से काफ़ी दिखा। और ये कार्यक्रम हो रहा है जोनल संवाद का, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय यहाँ अविनाश पांडे जी आए हैं और सभी हमारे पूरे प्रयागराज जोन के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, नेतागण उपस्थित हैं। यहाँ से संगठन के लिए आगे कैसे संगठन मजबूत करना है, कैसे काम करना है, 2024 की लड़ाई कैसे लड़नी है, इस पर पूरी तरीके से दिशा निर्देश देंगे। अरे भैया, बिना काशी अइले कैसे काम हुई महाराज? काशी धोबे कर। ऐसा है, गांधी जी जब मरे थे, आपको याद है ना, जब उनका शहादत, जब उनको गोली मारा नाथूराम गोडसे ने, तो उनके मुंह से क्या आवाज़ निकला था? हे राम हे। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर में 6 हमारे संवाद कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आज ये 6वां संवाद कार्यशाला है हमारे 6 मंडल में। ये कार्यशाला है जिसमें सभी जिला स्तरीय, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जिला के सभी पदाधिकारी और हमारे जितने भी अग्रिम संगठन हैं उनके सब के प्रमुख इसमें एकत्र हुए हैं। यह संवाद प्रमुख रूप से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद कर आने वाली 2024 की चुनौती व माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसे सफल बनाने के लिए हमारे आगे के नियोजन और कार्यक्रमों के नियोजन के बारे में है। सभी कार्यकर्ताओं से उद्देश्य है कि बूथ स्तर तक हम इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से, इस संवाद यात्रा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं से संवाद करें और जनता के बीच जाकर जो संदेश लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है, जिस संदेश को लेकर इस देश की सबसे बड़ी चुनौती 2024 का चुनाव, जो कि आने वाले 5 सालों की दिशा और दिशा का निर्णय लेने जा रहा है, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी भूमिका के साथ, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन के हमारे सभी साथियों को जिताकर उन्हें शिकस्त दे, पराजय दे और उनकी सरकार को निकाल बाहर करें। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है क्या प्रमुख मुद्दा बना करके चुनाव लड़ने जा रही है? यहाँ का हमारा प्रमुख मुद्दा है, हम प्रश्न लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा प्रश्न है बेरोजगारी का। जो 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसके प्रति लोगों से यही चीज़ जागृत करना चाहते हैं कि वो वादे का क्या हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर अपना जवाब स्पष्ट करें। जो किसानों को 2 गुनी आमदनी का वादा हमने किया था, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने किया था, उसके बारे में हम पूछें। जो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा करने की बात जो की थी, उसके बारे, उस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में हम जाएंगे। आज देश की जो अर्थव्यवस्था और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, 1 रुपए की कीमत, पहले बाजार में जाकर थैली भर हम सामान लेकर आते थे, आज हम फिर से 1/4 भी नहीं ला रहे हैं। हम प्रश्न मुद्दा लेकर जाएंगे जनता के बीच में कि जो देश में जो पीड़ितों के और विशेष दलों की जो धर्म और राजनीति को जोड़कर जिस प्रकार से देश में राजनीति की जा रही है, एक ध्रुवीकरण, एक पोलराइजेशन कर और विशेष जाति धर्म को आतंकित करने की कोशिश की जा रही है, हम प्रश्न लेकर जाएंगे कि आज संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है और संविधान को भी कमज़ोर किया जा रहा है, यही सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और यही संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी का इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। अयोध्या से कांग्रेस की दूरी का क्या मकसद? 15 तारीख को मैं, हमारे सभी साथी हजारों की संख्या में, 15 तारीख को मैं, अजय राय जी, हमारे सभी पूरा मित्र परिवार जाकर, हमने सरयू नदी में स्नान किया, माँ सरयू का आशीर्वाद लिया, हनुमानगढ़ी में हमने आशीर्वाद लिया
और समय समय क्योंकि एक बहुत ही पर्व था संक्रांति का, महान पर्व था और हर वर्ष हम कोई ना कोई तीर्थ स्थान में जाते ही हैं। इस बार सौभाग्य था मेरे लिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते जो नियोजन हमने किया था सभी साथी भी साथ में आए और राम जन्मभूमि के भी दर्शन किए, कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन हमने किए, हमने बांके बिहारी के भी दर्शन किए, यहाँ पर आज हम यहाँ पर बाबा के भी दर्शन हम करेंगे। हमेशा से कांग्रेस ने धर्म और राजनीति को अलग रखा है और यही हमारा निवेदन हमेशा से रहा है कि धर्म और राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। उसी का एक प्रतिकार के रूप में जो 22 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, ये एक कार्यक्रम को जिस प्रकार से एक राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है वह एक दुख का विषय है और वह उसमें 2014 के बाद कुछ बदलाव दिखा आपको काशी में? निश्चित काशी में हाँ बदलाव तो जो दिखना चाहिए था जितना प्रचार बाहर में हो रहा है यहाँ आकर मुझे उतना नहीं दिखा, लेकिन बाहर में टीवी और उसके माध्यम से काफ़ी दिखा। शंकराचार्य लोग निमंत्रण कितनी कर रहे हैं आप? देखिए ये ऑल इंडिया इंडिया गठबंधन के घटक बैठकर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय समिति के सामने हमने भी अपना पक्ष रखा हुआ है, प्रक्रिया चालू है। एक ही चीज़ मैं बतला दूं कि बहुत ही सकारात्मक चर्चाएं हो रही हैं और बहुत जल्द ही उसका निर्णय हम जाहिर करेंगे।